अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगाज अंजान। आप YouTube चैनल देख रहे हैं फूड ऑन ख्वान। आज की तैयारी हमारी इफ्तारी के हवाले से, आज हम आपको एक शॉर्ट पीरियड का जो है ना इफ्तारी कैसे तैयार होती है वो आपको दिखाएंगे कि आगाज अंजान ने कैसे तैयार किया। तो आप यकीनन इस इफ्तारी को मेरे साथ एंजॉय करेंगे। आप देखते रहिए, इसमें हमने कचौरियाँ, सीख कबाब बाज़ार के, और अपना गर्मी जो है ना चिकन तंदूरी, अपनी हैंडमेड मेंट की चटनी और सैलड, खजूर, ये चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं। अब साथ रहिए, एंजॉय करेंगे मिलकर के। तो चले शुरू करते हैं फटाफट। आइए, हमने बनानी है दही की चटनी, योगर्ट सालसा, और ये हमने जो है ना मैरिनेट करके रखा हुआ है चिकन तंदूरी के लिए ड्रम स्टिक्स। तो इसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं हम लोग। जब ये तैयार हो जाएंगे आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम इसमें जो है ना आपको तैयारी का अमल नहीं दिखाएंगे, लेकिन क्या क्या चीज़ें आज हमारे यहाँ बनने जा रही हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और आपको शेयर करेंगे। हज़रात गरामी, जो हमने चटनी बनानी है ना दही की, उसके लिए हमने पुदीना, धनिया के पत्ते, हरी मिर्चे और एक थोड़ी जो है ना लहसुन ले लिए। जब चटनी तैयार हो जाएगी तब बता देंगे। साथ ही हम जो है ना कचौरियों के लिए डो तैयार कर रहे हैं। हमने हाफ़ टी स्पून जो है ना नमक लिया है और 4 टेबलस्पून जो है ना हमने उसके अंदर ऑयल जो है ना सनफ्लावर का लिया हुआ है। 300 ग्राम जो है ना हमने लिया हुआ है मैदा। तो आपको अगला स्टेप बताएंगे। हज़रात गरामी, कचौरियों के लिए हमारा डो जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसकी जो है ना नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताएंगे। साथ ही हम जो है ना यहाँ पर 1 गिलास पानी, 1 कप पानी लेंगे और जग में डाल देंगे, और इसके अंदर हमने जो है ना 4 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। ठीक है, ये 6 आदमियों के लिए हम तैयार कर रहे हैं। हमारे पास इसके लिए ये तुखम मलंगा है, जिसका हम इस पानी में शामिल करेंगे 2 टीस्पून, बिल्कुल बराबर। दो टीस्पून तो मलंगा डालने के बाद हम थोड़ा सा, हमारे पास ये जामे शीरी, ये हम इसमें शामिल करेंगे। करछी का है, शामिल करने के बाद उसको आपस में मिक्स करेंगे। जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए तो इसके अंदर जो है ना 1 कप दूध फिलहाल, ताकि शरबत का कलर हमें वाजे हो जाए। देखिए जी, हमारा दूध, शरबत और पानी आपस में अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इस जग के अंदर हमने तकरीबन इस तरह के 3 गिलास पानी जो है ना शामिल कर लिए, और अब हमने ये जो तैयार की हुआ शरबत है ये हम इस पानी में ऐड कर देंगे। देखिए कैसे नाइस बन रहा है। जो रह गया उसके अंदर गालिबन 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा दूध शामिल कर लेते हैं। लो जी, ये 6 रोज़ेदारों का जो है ना शरबत तैयार हो गया।
पे छः आदमी मिल के इसको पी सकते हैं। ये इफ्तार के लिए शरबत तैयार हो चुका। जो धनिया और पुदीना हमने जो है ना ग्राइंडर में डाल दिया है, साथ में ये हरी मिर्चें हैं हमारे पास 3 दाने, ये हमने इसके अंदर डाल दी, और एक अदद थूम गार्लिक, और ये 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है ना, ये आप इसमें ऐड करते हैं। अब इसके बाद जो है ना 1 टीस्पून नमक, ये आप इसके अंदर ऐड कर दें, और ये आपके पास पिकल्स की मिर्चें हैं, ये आप इसमें ऐड कर दें, इसको हलोपिनोस कहते हैं, ठीक है ना, और इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि इसमें कोई दुश्वारी ना हो, ग्राइंड करते हैं। अब जब ये ग्राइंड होकर के आ जाएंगी तब आपसे शेयर करेंगे। लो जी हाजरीन, कढ़ाई में ऑयल आ चुका है, और ये हमारे जो है ना अपना चिकन तंदूरी जो है ना हमने ड्रमस्टिक की तैयार कर लिए, ट्रे डो हमारा बिल्कुल तैयार है, और अब हम जो है ना ये जो है ना हमने भुना हुआ कीमा घर में अपने हिसाब से बनाया हुआ है, तो वह आप अपने घर के हिसाब से जो है ना बना लें कीमा, ये कचौरियों के लिए बनाया गया है। ये हमारे पास जो है ना 6 टेबल स्पून मैदा है, और इसके अंदर अब ऑयल शामिल करेंगे। ये कचौरियों के क्रिस्पी करने के काम आते हैं। अक्सरियत लोग जो है ना खालिस घी से बनाते हैं, लेकिन चूंकि हम जो है ना ऑयल को प्रेफर करते हैं तो हम ऑयल से बना रहे हैं। थोड़ा ऑयल हमें और चाहिए होगा, बिल्कुल लेवी की तरह बनाना है। लेवी याद है जब गुड़ियाँ बनाते थे, उड़ाते थे, तो गुड्डी फट जाती थी तो लेवी से उसको जोड़ते थे। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ऑयल और मैदे का मिक्सचर तैयार हो चुका है। हाँ तो हजरात गरामी, हमारी कचौरियों के लिए जो है ना हमने पेड़े बना लिए हैं, और एक अदद कचौरी भी बना ली है, तो अब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि हम तैयार किस तरह करनी है। ये हमारा तैयार हो गया, और अब हमने जो तैयार किया था मैदा और ऑयल का लेवी, ये अब हम इस पे डाल देंगे। देखिए ऐसे थोड़ा हाथ का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, इसको फैला देते हैं, थोड़ा और चाहिए होगा। हाँ तो अभी आपने जो है ना इस पर लई जो है ना फैला दी है, अब इसका हाफ इधर और हाफ इधर, ठीक है ना, गैस चल देगी, और अब इस पर भी थोड़ा हाथों की मदद से ले लें, बिल्कुल हाथ हल्के रखने हैं। देखिए इस तरह फैलता भी है। अब ये स्टेप करने के बाद इसको यहाँ से इधर कर लें, और इसको यहाँ से इधर, ये देखो बिल्कुल डन हो गया। अब ये थोड़ा ये इसको आपस में ऐसे जोड़ लें, और इसको आपस में इधर लोच,
ये हमारा रेडियो। अब इसको अब ये तैयार हो गए। अब इसके अंदर जो हमारा बुना हुआ कीमा है ये आप इसके अंदर रख लें। इसको आपस में ऐसे जोड़ लें और इसको इसके साथ जो इनको आपस में जोड़ लें और इसको इसके साथ जोड़ लें, ठीक है ना, और इसको इसके साथ जोड़ लें, ठीक है ना। अब इनको आपस में मिला और मिलाने के बाद इनको आपस में यकजा कर लो जी, ये तैयार हो। ये देखो कितनी अच्छी तैयार हुई, आगे और पीछे से बिल्कुल गोल कचौरी हमारी तैयार हो गई। हजरात ग्रामी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, प्री हीटेड है, ठीक है ना, मीडियम आग पे स्टीम रखो इसको और इसको बिल्कुल आराम से इसमें डाल लें। देखिए कैसे जबरदस्त देख लें कितना अच्छा कुक हो रहा है। अब इसको जरा दूसरी साइड से भी जरा पकाना शुरू कर दें, चेक कर लें क्या हो रहा है। वाह, चेक करते रहिए और धीमे आग पे मीडियम आग पे स्लो प्रोसेस के तहत पकाएंगे तो ये टेस्टी भी आएगा, क्रिस्पी भी आएगा और इसमें कीमा भी जो है ना अच्छा सा रचपच जाएगा और खाने वाला आपको दुआएं देगा। रमजान शरीफ है, दुआएं लें। देखें कितनी अच्छी कुक हो रही है कचौरी, तो देखते हुए कितना टेस्टफुल है, तो खाने वाला तो दिल से दुआ दे गई बाबू। अब इसको निकालने का तरीका करते हैं, ये हमने रखा हुआ है तरीका इसका, इसको तरीके से निकालना जरा देख तो लें। इसको ऑयल के ऊपर और के कढ़ाई के ऊपर ही रखें ताकि ऑयल अगर गिरे तो इसी में ही गिरे। देख ये तो ऐसा अट्रैक्टफुल है ना, इसकी तस्वीर खींच के तो मैं जो है ना इसके फ्रंट पे लगा लूं यूट्यूब चैनल के बस। और ये अब हमारी सेकंड शिफ्ट जाएगी, देख कितने प्यारे तरीके से। जबरदस्त, एक मिनट जरा देखें, थोड़ा इसको जरा हिला लें, बिल्कुल उसको अपने रहमो करम पर ना छोड़ें, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता कुक हो रहा है। हाँ जी, कचौरियाँ बनाने के बाद हमने जो है ना उसी स्टाइल से कीमे के पराठे बना दिए बाकी कीमे के। ये देख बिल्कुल रेडी हो रहा है, जबरदस्त खमीर गूंदा हुआ आटे का जो है ना कीमे का जो है ना पराठा भी साथ बना। हजरात ग्रामी
ये है खजूर, इसको हम जो है ना गिटक इसकी काट के निकाल करके तो फिर इसके अंदर एक बादाम रख लेंगे और इसको यहाँ रख लेंगे, क्योंकि गिटकी हम निकाल चुके हैं इसकी और बादामी खजूर बना रहे हैं इसका, ठीक है ना। ये हमने बना लिया बादामी खजूर, ठीक है। अब ये खोपरा लेके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें, है एक छोटा सा काम है, लेकिन ये है कि जब इफ्तारी करने के लिए सब इंजॉय करके खजूर बादामी खाते हैं तो उनके लिए एक अमेजिंग चीज़ है और टेस्ट इसका पीक पे होता है, तो ये हमारी इफ्तारी की ख़ास आइटम है। हाँ तो हाज़रीन, आज की इफ्तारी के लिए जो है ना हमने जो तरतीब दी है वो ये था कि हमने 6 अदद कीमे के पराठे बनाए और हमने 12 अदद रोटियां बनाई है और हमने कचौरियां जो है ना अपना 6 अदद बनाई है। हमारे पास जो है ना चिकन सीख कबाब जो कि बाज़ार से रेडीमेड आया है, भाई इसमें कोई झूठ नहीं बोल सकते हैं, जब नेक्स्ट टाइम अपने घर पर बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, तो ये बाज़ार के वो हमने तैयारी में रखा हुआ है। खजूरों का आपकी तरतीब बता दी थी, सैलड अच्छी खूबसूरत से तैयार के रख दी है और ये हमारी जो है ना सैलड बेहतरीन किस्म के देने वाली चटनी बेहतरीन किस्म की हमारी बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं वंडरफुल लुक है। और उसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना ड्रम स्टिक बनाया है तंदूरी, ठीक है ना, होममेड अपने घर के ओवन में, और ये हमारा जो है ना एक समर फ्रूट सीजन देख लें आप, ये हमने इफ्तारी में कराया। एक चीज़ जो रह गई है वो है वो अपना शरबत, दूध वाला शरबत जिसकी तरफ कैमरा नहीं गया अभी तक, जो कि कंप्लीट अभी आपको दिखाएगा हमारा कैमरा मैन, ये देखिए। तो हमारी इफ्तारी आज की जो है ना डन है, तो मेरी तरफ से मेरा साइन, वेल डन, अल्लाह हाफिज़।